हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बेटा जटा फूड कुकिंग में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा खास है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर बनाना और सभी को बनाकर खिलाना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लौकी लेना है और लौकी आपकी ताज़ी ही होना चाहिए। तो ताज़ी लौकी को लेना है और बस इसको अच्छे से छील लेना है। तो इसको अच्छे से पील करने के बाद आपको इसको अच्छे से वॉश भी करना है। तो बस इन सभी चीज़ों करने के बाद आपको इसको काटना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लौकी का पनीर। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से माप के डालेंगे तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अगर आपके आसपास कहीं नज़दीक पे यानी कि कोई शॉप नहीं है जल्दी जहाँ से आप पनीर को ला सकें और झटपट बना सकें, तो इस तरीके से आप घर पर लौकी का पनीर बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसका जो पार्ट है वो हम इसमें नहीं लेंगे। तो जो लौकी का अंदर का पार्ट था उसको मैंने निकाल दिया है। तो इसको छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इसको हम फिर से एक बार अच्छे से वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको वॉश अच्छे से करें यानी कि अच्छे से धो लेना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्सी का जार लेना है और इन कटे हुए पीस को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करना है। तो अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी से जाइए बेल आइकन को दबाइए और ढेर सारी रेसिपी को आप अच्छे से देखिए और फिर उनको ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद आपको इसमें डालना है दही। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही डाल दिया है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप मलाई डाल सकते हैं, वो भी फ्रेश। तो इन 2 चम्मच को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे आप बेफिक्र रहिए, इसमें कोई भी खट्टापन या ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आपका दही फ्रेश होगा तो ये देखिए इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब इस तरह का पेस्ट बन जाए तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस पेस्ट को रखना है आपको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेना है। आप देख रहे हैं पेस्ट कितना स्मूथ है। तो इसी तरह से आपको निकालना है और इसको आप अलग रख देना है। तो इसमें आपको कुछ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालना है, वो की है चावल का आटा। तो यहाँ पर आपको 2 चम्मच चावल का आटा डालना है और चावल का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी जो अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो जो चावल का आटा डालना है वो हमें इसे डालना है ताकि जो हमारा पेस्ट में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह 2 चम्मच बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पेस्ट है वो हमारा अच्छे से बनकर तैयार है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस अब आपको क्या करना है, इस पेस्ट को आपको कर लेना है अच्छे से ट्रांसफ़र, वो भी एक किसी भी प्लेन प्लेट में या आपके पास कोई सी थाली हो छोटी, आप उसमें ट्रांसफ़र कर लें और इसको अच्छे से आप इसको ऊपर की लेयर को अच्छे से एक सा कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है, एक तो ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, और ऊपर से ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं कहूँगी आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। जिस तरीके से आप पनीर बनाते हैं उसी तरीके से आप इसको बनाएंगे तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके आसानी से और आप मेरे ढेर सारे वीडियो देख सकें। तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को आप देख पाएंगे और हो सके तो इस रेसिपी को आप अपने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमने पेस्ट बनाया था उसको प्लेट में फैलाने के बाद उसको आपको क्या करना है, कढ़ाई में रख देना है। तो इसको हम आपको क्या करना है, कढ़ाई में पानी लेना है 1 गिलास, उसमें रखना है आपको कटोरी और फिर उसके ऊपर आप उसको रख देंगे। तो रखने के बाद इसको आपको क्या करना है, इसको 10 से 20 मिनट तक आपको अच्छे से पकाना है। वैसे तो ये 10 मिनट पक जाएगा, अगर नहीं पकता है तो आप इसको 10 मिनट और दें तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको निकालने के बाद आपको इसको करना है रूम टेम्परेचर पर ठंडा। तो बस जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है और ये अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर आप इसके आसानी से किसी भी आकार के पीसेस काट सकते हैं, जिस तरीके से आप पनीर के काटते हैं। तो अब आप कहेंगे ये लौकी से पनीर ये तो अच्छा नहीं बनता है, मैं कहूँगी एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद ट्राई करें पर आप सारी जो चीज़ें किस मात्रा में डालना है आप उसी हिसाब से लें तो बस तभी ये आपका बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप सारी चीज़ों को ऊपर नीचे कर देंगे तो आपकी ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हमें क्या करना है, मसाला रेडी।
तो इसका जो पेस्ट है उसके लिए आपको लेना है 3 से 4 हरी मिर्च, अदरक, और इसके बाद आपको लेना है कटा हुआ प्याज, और अब हम लेने वाले हैं इसमें लहसुन की कुछ कलियाँ। तो बस इसको आपको क्या करना है, अच्छे से करना है बॉईल। तो बस जब ये बॉईल हो जाएगा, आपको इसका पेस्ट उबालने के बाद ही बनाना है, इसको आपको कच्चा नहीं पीसना है। तो बस जिस तरीके से आप मैं बता रही हूँ उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, इसको मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेना है, इसको मिक्सी के जार में आपको पीस लेना है। मैंने जब ये रेसिपी बनाई तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। जो लोग लौकी नहीं खाते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, आपके फैमिली में अगर कोई लौकी को नापसंद करता है तो आप इस तरीके से उनको बिना जान के बना कर देंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। पहली बात तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये लौकी की कोई सब्ज़ी है। तो मैं कहूँगी आप इस तरीके से बनाएं। तो चलिए इसमें आपको किस तरीके के मसाले लेना है, आपको लेना है जीरा, दालचीनी, जावित्री, लौंग, काली मिर्ची, जायफल और 2 तेज़पत्ते। बस इन्हीं चीज़ों को आपको लेना है और इन्हीं साबुत मसालों को आपको क्या करना है, कढ़ाई में डालना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे वो टेस्टी बनती है। और इसमें अब हम साबुत मसालों को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें मैंने साबुत मसाले डाल दिए हैं। तो आपको ये रेसिपी लो से मीडियम फ्लेम में अच्छे से कुक करना है, धीमी आंच में। जितना आप कोई भी सब्जी को या कोई भी रेसिपी को आप धीमी आंच में कुक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप उसको हाई फ्लेम में किसी भी रेसिपी को बनाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो चला जाता है। तो जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं तो ये छोटी सी टिप्स है आपके लिए कि आप उसको मीडियम से लो फ्लेम में ही कुक करें, उसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहता है। तो ये देखिए जो पेस्ट हमने बनाया था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, वो हम इसमें डाल देंगे क्योंकि जो साबुत मसाले हैं वो हमारे भुनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप कोई सा ऑयल यूज़ करते हैं तो मैं कहूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी होता है क्योंकि ये हमारे सदियों से चला आ रहा है, ये हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये तेल। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए भी। तो ये देखिए जो मसाला है वो अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया है, यानी कि शुरू हो गया है। बस इसको आपको 5 मिनट तक अच्छे से लो से मीडियम फ्लेम में पकाना है और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसमें पानी को डालेंगे थोड़ा सा, ताकि ये और अच्छे से पक जाए। तो बस ये थोड़ा सा पानी डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको 5 मिनट फिर अच्छे से पकाना है जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। तो बस जब ये ऑयल छोड़ देगा तो समझिए कि आपका जो मसाला है वो भुनकर तैयार हो चुका है। जब तक ये ऑयल ना छोड़े तो इसका कच्चापन नहीं जाएगा। जब मसाला ऑयल छोड़ दे तो समझ लिए कि उसका कच्चापन चला गया है और मसाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है या लगी है कमेंट में ज़रूर शेयर करना, मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या ऐसी रेसिपी बनाई है। तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, वो धनिया पाउडर और चिली पाउडर, पनीर मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कलर, और इसमें हम डालेंगे ऊपर से हींग बस, और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें पानी। तो इसको मसाले को हम अच्छे से भुनने देंगे। तो इसको भी आपको जब तक भुनना है जब तक कि जो हमारा मसाला है वो ऑयल को ना छोड़ दे। तो जब पैन में ऑयल निकल कर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो मसाला है वो भुनकर तैयार हो चुका है। तो क्या अभी तक आपने इस तरीके की रेसिपी को बनाया है और ट्राई किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें हम डालने वाले हैं एक सीक्रेट चीज़, वो है कि जायफल। तो जायफल को आपको किस तरीके से डालना है मैं वो आगे बताऊँगी आपको। तो ये देखिए इसका आपको पाउडर बना लेना है, इसका आपको पाउडर बनाकर डालना है, वो भी इसको कूट कर। तो ये देखिए इसमें डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मैंने कहा पहले ही कि आपको जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़ दे समझ लिए कि आपका जो मसाला है पका नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच सॉस, यानी कि टोमेटो सॉस। आपने देखा होगा कि मैंने मसाले में टमाटर को यूज़ नहीं किया है, इसमें मैं सॉस डाल रही हूँ जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस सारी मेजरमेंट से अगर आप सारी चीज़ों को बनाएंगे, सभी चीज़ों को लेंगे तो जो आपका लौकी का पनीर है बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनेगा। बस
आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और जो कोई आपके घर में लौकी खाना पसंद नहीं करता है, वो समझ लिए कि आप खाना शुरू कर देगा। अगर आप परेशान हो गए हैं, आपके बच्चे लौकी नहीं खा रहे हैं या घर में कोई भी नहीं खा रहा है, तो इस तरीके से बना कर दें तो सभी को पसंद आएगी और कोई भी खाने से मना नहीं करेगा। और बस आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो इसको आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें जितना कि आप खाना पसंद करते हैं। इसमें एक और सीक्रेट चीज़ आएगी, वो की है मलाई। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई, जिससे कि आपको पता होगा जब हम पनीर को खाते हैं तो उसमें जो क्रीमी टेक्सचर आता है, जो क्रीम को डाला जाता है फ्रेश, तो यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश मलाई। तो इसको आपको डालना है और अच्छे से मसाले में मिक्स करना है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद इसको आपको अच्छे से भून लेना है 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए, ये भुनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसमें डालेंगे हम पानी। और पानी आपको कितना लेना है, आपको सिर्फ 1 से 1.5 गिलास पानी ही इसमें डालना है। तो ये देखिए, ये ऑयल इसने छोड़ दिया है, जब हमने मलाई को अच्छे से डालकर इसमें मिक्स किया था, इसने फिर दोबारा ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। तो बस ये मसाला हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस मसाले में आपको डालना है 1 से 1.5 गिलास पानी। तो बस पानी डालने के बाद आपको इसको मुश्किल से आपको इसको 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले से ही पक चुकी हैं। तो बस इसको 5 मिनट तक आपको अच्छे से बॉईल करना है। जब तक कि बॉईल होगा तो हमारा जो पनीर के पीसेस हैं वो भी अच्छे से सेट हो चुके हैं, तो उनको हम फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपने इस तरीके से कभी बनाकर खाया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटा गेट टुगेदर हो या छोटी मोटी पार्टी हो, तो आप उसमें भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगी। या तो बर्थडे पार्टी हो तो उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। इसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये लौकी की रेसिपी है, तो मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए, जो पीसेस हैं वो हमने इसमें अच्छे से डाल दिए हैं। आप पहचान नहीं पाएंगे जब आप खुद बनाएंगे कि ये लौकी की सब्ज़ी है या पनीर की सब्ज़ी है, क्योंकि ये हमने लौकी से बनाई है, तो इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इसको सारी चीज़ों को अच्छे से, यानी कि जितने भी तरीके से, यानी कि मैंने डाली हैं सभी चीज़ों को मेजरमेंट से डालेंगे, तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है। बस इसको 5 मिनट तक आपको बॉईल करना है पीसेस डालने के बाद, वो भी लो से मीडियम फ्लेम में, हाई फ्लेम में नहीं। और बस जो सब्ज़ी है वो हमारी लौकी का पनीर है, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।